हेलो गाइस, मेरा नाम है अक्षय और आपका एक लास्ट के एक नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको टाउन हॉल 12 के बारे में पूरे अपडेट्स बताने वाला हूँ, मतलब सिर्फ टाउन हॉल 12 के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में बहुत सारे लीक्स है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ, तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं टाउन हॉल 12 के बारे में बताऊंगा, जैसे कि गीगा टेस्ला कैसे दिखता है और जो टाउन हॉल खुद कैसे अपने अपोनेंट से डिफेंड करता है, मतलब ट्रूप्स जो आते हैं अपोनेंट के उसके अगेंस्ट कैसे डिफेंस क्रिएट करता है, और बॉम्ब जो बॉम्ब टावर खुद के अंदर जो बॉम्ब उसने रखा है वो कैसे डिस्ट्रक्ट होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं टाउन हॉल 12 के बारे में आता हूँ। जब टाउन हॉल 11 से आप टाउन हॉल 12 में जाते हैं तो टोटल कॉस्ट 5 मिलियन कॉस्ट करता है और ये हर एक अपग्रेड के साथ बढ़ते जाएगा। जैसे कि टाउन हॉल 12 में अगर आप लेवल 1 से लेवल 2 जाते हो, टाउन हॉल 12 में खुद ही 5 बार अपग्रेड करना होगा और इसमें आप जो उसका गीगा टेस्ला है वो हर एक अपग्रेड के साथ उसका टारगेट बढ़ते जाता है और उसका डिस्ट्रक्टिव पावर बढ़ते जाता है, मतलब अटैक पावर बढ़ते जाता है। तो टाउन हॉल 5 में आपका जो बॉम्ब एबिलिटी है, मतलब जो हिडन बॉम्ब है उसके अंदर गीगा एक्सप्लोशन, वो भी अनलॉक हो जाता है। और टाउन हॉल 1, टाउन हॉल 2, जैसे कि टाउन हॉल 12 में 5 बार अपग्रेड करना होता है, तो टाउन हॉल 12 में आपको आप बोल नहीं सकते लेवल 1 टाउन हॉल 12, लेवल 2 टाउन हॉल 12। तो इसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए उन लोग ने स्टार 1 टाउन हॉल 12, स्टार 2 टाउन हॉल 12। तो यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं कि पूरा पाँचों का पाँचों लेवल इमेज दिखाया गया है, उसके साथ स्टार भी बताया। जो ये स्टार है अगर आप टाउन हॉल 12 पे क्लिक करोगे तो उसके ऊपर ऐसा स्टार दिखेगा, तो ताकि आपको पता चले कि कौन सा लेवल का होगा। पर अगर आप टाउन हॉल 12 हो तो अभी अटैक्स करने में आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा टाउन हॉल है। जैसे कि अगर लेवल 5 का मतलब 5 स्टार टाउन हॉल 12 रहेगा तो उसका एक्सप्लोशन भी रहेगा, मतलब गीगा एक्सप्लोशन, जिससे आपको बच के रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले टाउन हॉल 1 स्टार टाउन हॉल 12 रहेगा, उसमें गीगा टेस्ला का टारगेट 1 रहेगा और हर एक स्टार बढ़ते जाने के टाइम हर एक जो टारगेट है वो बढ़ता जाएगा और लेवल 5 में 5 टारगेट हो जाएगा। और यहाँ पे इमेज देख सकते हैं गीगा टेस्ला का, ऊपर में जो उसका स्पेस है उसमें गीगा टेस्ला बाहर आ जाता है जब वो ऑफेंस मतलब डिफेंस में आ जाता है। उसके साथ में अभी देख सकते हैं कि आपको गेम प्ले बताता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं कि अभी टाउन हॉल 12 दिख रहा है और यहाँ पे लेवल 5 का टाउन हॉल 12 है, तो यहाँ पे जाइंट्स डिप्लॉय किया है डिस्ट्रॉय करने के लिए। और यहाँ पे गीगा टेस्ला देखो कैसे मार रहा है, देख सकते हैं पूरे जाइंट्स की वाट लगा दी है। और यहाँ पे देखो डिस्ट्रॉय होगा तो वो जो गीगा टेस्ला है वो नीचे आ जाता है, बॉम्ब के जैसे काम करता है और जो भी साइड में जो ट्रूप्स रहेंगे उस पर डैमेज क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपको मुझे लगता है ग्रैंड वार्डन एबिलिटी बहुत काम आएगा तभी जब टाउन हॉल 12 डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप सोचो कि अगर स्टार्टिंग में आपने टाउन हॉल 12 डिस्ट्रॉय कर दिया आपके जितने भी ट्रूप्स है उसके यूज़ करके, तो आपको हीलिंग स्पेल एक ना एक तो लेना ही पड़ेगा, ताकि आप वो डैमेज आपको ट्रूप्स को मिला है वो आपको थोड़ा क्लियर करना पड़े, आपको रिवाइव करना पड़ेगा। और अभी मैं आता हूँ टाउन हॉल 12 के एक मुझे एक और लीक मिला है और इसमें देख सकते हैं कि ब्लर किया है उन लोग ने, पर यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा कॉर्नर में ब्लू कलर में। तो यहाँ पे मुझे लगता है वो जब वो डिफेंस में आता है तो यहाँ पे वो जो उसका सराउंडिंग है उसमें वो कलर्स दिखते हैं, ताकि वो मतलब ऐसा पावर अप हो रहा है, टेस्ला काम कर रहा है वैसा जैसा। तो अभी थोड़ा इतना कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं पता चला है, पर ट्रूप्स के लीक्स मिले उसके साथ, जो बैरक्स लेवल अप, न्यू स्टोरेज लेवल उसके बारे में भी लीक्स मिले, तो उसके बारे में बताने वाला वीडियो। और जैसे कि टाउन हॉल 12 बहुत जल्दी आने वाला है और लीक्स भी आते रहेंगे, इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूले लेटेस्ट अपडेट ऑफ सीओसी के लिए। थैंक यू, बाय बाय।